बंदूक जैसा बन के तैयार हो गया है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं सुमित शर्मा टेक्सम चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमारे पास एक बहुत ही कमाल का कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर, यह है अगारो सुप्रीम स्टिक वैक्यूम क्लीनर। अगारो का यह वैक्यूम क्लीनर काफी शानदार पैकिंग में आता है। यहां पर अगारो की ब्रांडिंग दी गई है, अगारो ड्राई वैक्यूमिंग पावरफुल ब्रशलेस मोटर इसके अंदर देखने को मिल जाती है। यहां पर प्रोडक्ट की इमेज दी गई है और इस पर हमें पूरे एक साल की वारंटी भी मिल जाती है। इसका मॉडल नंबर है सुप्रीम और बॉक्स के साइड यहां पर इसके कुछ मेन फीचर्स को हाइलाइटेड किया गया है। थ्री सेक्शन मोड इसके अंदर दिए गए हैं, मोटराइज ब्रश हेड इसके अंदर मिल जाता है, फ्रंट एलईडी लाइट्स भी इसके अंदर दी गई हैं। बॉक्स के इस साइड इसके स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं, डस्ट कलेक्टिंग कैपेसिटी 0.5 लीटर, रेटिंग पावर 400 वॉट, नॉइज लेवल 75 डीबी, हाउसिंग मटेरियल्स एबीएस बॉडी। इसके अलावा अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो एमआरपी है 29,990 रुपीज, लेकिन इस समय आपको ये अमेजोन पर 15,000 के लगभग मिल जाएगा। इसका बाय लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर आप भी इसे परचेज कर सकते हैं। तो अब हम करते हैं इसे ओपन। मैंने इसे ओपन कर लिया। बॉक्स के अंदर हमें ये सारे अटैचमेंट देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इसका यूज़र मैनुअल दिया गया है। यूज़र मैनुअल के अंदर सारी डिटेल दी गई है, कैसे हमें इसे यूज़ करना है, क्या क्या हमें प्रिकॉशंस रखनी है। इसके अलावा बैक साइड में इसका वारंटी कार्ड दिया गया है। इस प्रोडक्ट पर हमें पूरे एक साल की वारंटी मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर एक अलग से वारंटी कार्ड दिया गया है। अगर आप इस प्रोडक्ट को अगारो की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर कर लेते हो तो आपको 6 मंथ की एक्सटेंडेड वारंटी भी मिल जाएगी, यानी 1.5 साल की वारंटी आपको इस प्रोडक्ट पर मिल जाती है। और ये है इसकी मेन यूनिट, ये है अगारो का कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर। आप देख सकते हो देखने में बिल्कुल गन जैसा लग रहा है, रॉकेट लॉन्चर जैसा लग रहा है, काफी लाइट वेट है। तो इसकी बॉडी पूरी तरह से एबीएस प्लास्टिक से बनी हुई है, काफी प्रीमियम क्वालिटी है। कलर कॉम्बिनेशन भी काफी बढ़िया है, ग्रे और रेड का कलर कॉम्बिनेशन यहाँ देखने को मिल जाता है। 29.6 वोल्ट की लिथियम आयन बैटरी इसके अंदर दी गई है और ये जो बैटरी का कंपार्टमेंट है, ये बैटरी है, डिटैच हो जाती है। और यहाँ पर इसका ट्रांसपेरेंट डस्ट कलेक्टिंग विन दिया गया है और इसे भी आप डिटैच कर सकते हो। जो भी अटैचमेंट इसके साथ आए हैं उन अटैचमेंट को हम यहां पर अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर अलग से 2 पिन दी गई हैं। ये पिन हमारे अटैचमेंट को पावर देती है, यानी जो भी पावर है वो यहाँ से कनेक्ट हो जाती है। इसके अलावा इसके अंदर हेपा फिल्टर भी दिया गया है। तो यहाँ पर इसका ट्रिगर दिया गया है, यहाँ से आप इसे ऑन या ऑफ कर सकते हो। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है, आपने एक बार इसके ट्रिगर को प्रेस कर दिया तो ये ऑन हो जाएगा। उसके बाद ज़रूरत नहीं है कि लगातार आप अपनी उंगली इसके ऊपर रखो या ना रखो, ये ऑन रहेगा। अगर आपको ऑफ करना है इसे तो दोबारा से एक बार इसे पुश करना है, ये ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर अगारो की बैंडिंग दी गई है और वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर कुछ बैंड्स दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर नीचे की साइड एक कनेक्टिंग पोर्ट दिया गया है, जो एडाप्टर इसके साथ आया है उसे आप यहाँ कनेक्ट करके इस बैटरी को चार्ज कर सकते हो। तो इसे ऑन करना बहुत ही आसान है। यहाँ पर जो इसका ट्रिगर दिया गया है, जैसे ही आप इसे एक बार पुश करोगे, जैसे मैं ऑन करके दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये हमारा ऑन हो चुका है। पीछे की साइड यहाँ पर इंडिकेटर दिखाई दे रहे हैं, यानी हमारी बैटरी इस समय फुल चार्ज है। तो यहाँ पर ब्लू कलर का एलईडी इंडिकेटर आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये सबसे कम स्पीड पर है। अगर आप एक बार इसे पुश कर दोगे तो ये मीडियम स्पीड पर हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर बैंगनी कलर की लाइट आने लगी है, इसका मतलब ये है कि इस समय इसकी जो स्पीड है वो मीडियम स्पीड है। और बिल्कुल हाई स्पीड जब आप यहाँ पर प्रेस कर दोगे तो ये हाई स्पीड पर चला जाएगा, यानी जब ये इंडिकेटर रेड कलर में शो हो रहे हैं तो ये अपनी फुल स्पीड पर है। यहाँ पर हमें 3 सक्शन मोड दिए गए हैं। तो यहाँ पर पहले मैं आपको इसके अटैचमेंट दिखा देता हूँ, कैसे हमें इसे अटैच करना है, कौन कौन से अटैचमेंट हमें इसके साथ मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला अटैचमेंट है, ये है इसका मोटराइज ब्रश हेड। आप देख सकते हैं इसके अंदर भी मोटर लगी हुई है। यहाँ पर व्हील्स भी दिए गए हैं जिससे क्लीनिंग करने में आसानी रहती है, इधर उधर आसानी से ये मूव हो जाता है। ये पूरी तरह से फ्लेक्सिबल है, 270 डिग्री तक ये इस तरह से मूव हो जाता है। यहाँ पर इस तरह का रोलर दिया गया है। अगर आपकी कोई हार्ड सरफेस है
उसे अगर आपको क्लीन करना है तो आसानी से आप इस ब्रश हेड को यूज कर सकते हो। सामने की साइड यहाँ पर इसमें LED भी दी गई है, जिससे कि अगर आप कोई अंधेरे कोने वगैरह में क्लीनिंग कर रहे हो तो वहाँ पर भी ये आराम से काम करेगा। तो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी मुझे इसकी लग रही है और इसे अटैच करना बहुत ही आसान है। सिंपल आप यहाँ पर देख रहे हो, इसको इस तरह से बस इसके अंदर इंसर्ट कर देना है। ये हमारा यहाँ पर अटैच हो गया, बस सिंपली अब हमें इस ट्रिगर को ऑन कर देना है। आप देखोगे ये हमारा ऑन हो गया और इसमें सामने की साइड यहाँ पर LED लाइट भी दी गई है। अभी इस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हो, जो यहाँ पर रोलर दिया गया है वो रोलर इस तरह से मूव हो रहा है, यानी इसके अंदर मोटर दी गई है। यहाँ पर एक रिलीज बटन दिया गया है, इसे आप प्रेस करोगे तो अटैचमेंट हमारा ये बाहर आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक दूसरा अटैचमेंट दिया गया है, ये भी मोटोराइज अटैचमेंट है। ये मैट्रेसेस के लिए है, अगर आपका कारपेट वगैरह है, मैट्रेसेस वगैरह है, उसे अगर आपको क्लीन करना है तो इस तरह का छोटा सा इस तरह का अटैचमेंट हमें मिल जाता है और इसे भी आप आसानी से इस तरह से अटैच कर सकते हो। बस आपको ऑन कर देना है, ये देख सकते हो आप, ये हमारा यहाँ पर ऑन हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पर हमें इस तरह का एक अटैचमेंट भी मिल जाता है, यहाँ पर आपको सिंपल इस तरह से लगा के किसी भी कोने वगैरह में अगर आपको क्लीनिंग करनी हो तो आप इसे यूज कर सकते हो। यहाँ पर आप देख रहे हो इस तरह का एक 2-in-1 ब्रश दिया गया है। अगर आपको इसका ब्रश यूज करना हो तो इसे यहाँ से पुश करेंगे आगे की तरफ, ब्रश की तरह यूज करना हो तो इस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा फिल्टर भी इसके साथ दिया गया है, अगर आपका फिल्टर खराब हो जाता है तो आप आराम से इसे रिप्लेस कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर हमें मिलती है एक स्टिक, यानी अगर आप इसे एक्सटेंड करना चाहते हो तो यहाँ पर ये स्टिक है, इस स्टिक को कनेक्ट करके आप अटैचमेंट को यूज कर सकते हो। अगर आपको इसे अटैच करना है तो पहले स्टिक को आप इस तरह से आराम से अटैच कर सकते हो। ये तो आप देख रहे हो पूरा बंदूक जैसा बन के तैयार हो गया है, के ऊपर ये आराम से अटैच हो जाएगा। इसे आप दोनों तरह से यूज कर सकते हो, मान लो आपको अपनी गाड़ी में क्लीनिंग वगैरह करनी है तो इस तरह से बिल्कुल पोर्टेबल टाइप का ये हो जाता है। अगर आप इसकी स्टिक को यूज नहीं करोगे तो इस तरह से भी आराम से आप इसको यूज कर सकते हो। और इसके अंदर हमें 400 वॉट की ब्रशलेस मोटर दी गई है, काफ़ी पावरफुल मोटर यहाँ देखने को मिल जाती है। तो इसके अंदर हमें 3 सक्शन मोड दिए गए हैं और टोटल हमें 25 kPa की सक्शन पावर यहाँ देखने को मिल जाती है, काफ़ी ज़बरदस्त सक्शन पावर यहाँ दी गई है। इसके अंदर हमें 2000 mAh की पावरफुल बैटरी दी गई है, बैटरी को फुल चार्ज होने में 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। इसके बैटरी बैकअप की बात करें तो अगर आप इसे लो मोड में यूज़ करोगे तो लगभग 1 घंटे तक आपको इसका बैकअप मिल जाएगा और अगर आप इसे मीडियम मोड में यूज़ करोगे तो आपको 20 मिनट का बैकअप मिल जाता है। अगर आप इसे हाई स्पीड हाई मोड में यूज करोगे 8 से 10 मिनट का बैकअप मिल जाता है, जो कि मुझे लग रहा है बिल्कुल ठीक ठाक है, क्योंकि 8-10 मिनट में आपकी जो भी क्लीनिंग है वो आराम से हो जाती है। इसकी बैटरी को आप बहुत ही आसानी से चार्ज कर सकते हो, इसके साथ जो एडोप्टर आया है इस एडोप्टर को लगा के आप इसे चार्ज कर सकते हो। यहाँ पर चार्जिंग का पोर्ट दिया गया है, बैटरी इसकी डिटैच भी हो जाती है, यहाँ पर एक पुश बटन दिया गया है, इसे जब आप पुश करोगे तो इसकी बैटरी इस तरह से अलग हो जाएगी। दोबारा से आप इस तरह से यहाँ पर इसे अटैच कर सकते हो और आगे की तरफ पुश कर देना है, ये बैटरी हमारी यहाँ पर अटैच हो गई। इसी तरह से यहाँ पर जो डस्ट कलेक्टिंग बिन दी गई है इसे भी आप डिटैच करके आराम से क्लीन कर सकते हो। यहाँ पर एक स्लाइडिंग बटन दिया गया है नीचे रेड कलर का, इसे आगे की तरफ आपको थोड़ा सा स्लाइड कराना है, ये ऊपर की साइड इस तरह से उठ जाएगा, इसे आपको रोटेट करा देना है। जैसे आप रोटेट कराओगे ये यूनिट आपकी अलग हो जाएगी। तो यहाँ पर जो इसका हेपा फिल्टर दिया गया है ये 99.9% पार्टिकल्स को अंदर नहीं जाने देता है, काफी कारगर है, काफी बढ़िया हेपा फिल्टर यहाँ देखने को मिल जाता है। एक्स्ट्रा हेपा फिल्टर भी यहाँ दिया गया है, जब ये खराब हो जाए तो आप इसे बहुत ही आसानी से यहाँ रिप्लेस कर सकते हो। जो भी डस्ट वगैरह है वो इस बिन के अंदर इकट्ठी हो जाती है, उसके बाद आपको इसे अगर निकालना है तो ये जो पुश बटन यहाँ दिया गया है इस पुश बटन को प्रेस करना है। तो जब आप इसे पुश करोगे तो ये इस तरह से ओपन हो जाता है और जो भी आपकी डस्ट वगैरह है वो आप आराम से इस तरह से क्लीन कर सकते हो। इस तरह से आपको यहाँ पर इसे रखना है, उसके बाद फिर से नीचे की तरफ पुश कर देना, ये फिर से लॉक हो गया, बस आपकी गन फिर से तैयार हो गई। ये हमारा ऑन हो गया, आप देख सकते हैं। Thank you.
हमारा यहाँ खुल गया, देख सकते हैं। तो दोस्तों अगारो का ये कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर बहुत ही यूजफुल वैक्यूम क्लीनर है, क्वालिटी काफी बढ़िया है, प्रीमियम क्वालिटी यहाँ देखने को मिल जाती है और सबसे बढ़िया बात ये है इसकी कीमत काफी कम है। अगर आप दूसरे कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर को देखोगे तो उनकी कीमत लगभग दुगनी होगी। अगर आप भी इसे परचेज करना चाहते हो तो इसका बाय लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर आप भी इसे परचेज कर सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।